हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद अजहर फ्रॉम edugenco.com। स्टूडेंट, हम एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने वाले हैं। इसका पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। हमें सेट दिए गए हैं और हमने उनका यूनियन क्या करना है, फाइंड करना है। यूनियन क्या होता है स्टूडेंट? यूनियन को हम ये सिंबल है इससे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनियन। अब यूनियन में कौन, यूनियन क्या होता है? यूनियन जो होता है ना, दो सेट के एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होता है। अगर हम दो सेट हमारे पास यूनियन के लिए, यूनियन को फाइंड करने के लिए मिनिमम दो सेट होने चाहिए, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, मिनिमम दो सेट का होना जरूरी है। अगर हमारे पास दो सेट है, ए कोई सेट है 1, 2, 3 और एक सेट बी है हमारे पास 2, 5, 6। हमने इस दो सेट का यूनियन फाइंड करना है तो किस तरह करेंगे स्टूडेंट? यूनियन ए यूनियन बी, दो सेट के यूनियन को इस तरह राइट करेंगे ए यूनियन बी। तो यूनियन अगर हम दो सेट के एलिमेंट को मिला के लिख लें तो हमारे पास जो होगा, जो रिजल्ट आएगा, जो वो क्या होगा, यूनियन होगा। लेकिन एक बात यूनियन में स्टूडेंट आपने याद रखनी है कि कोई एलिमेंट रिपीट ना हो, क्योंकि हम सेट की बात कर रहे हैं तो सेट के अंदर कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता, क्योंकि सेट की डेफिनेशन के मुताबिक सेट के एलिमेंट क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, एक जैसे नहीं होते। रिपीटेशन जो होती है ना वो सेट के अंदर नहीं होती। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर का पार्ट नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। हमें दो सेट दिए गए, एक एक्स दिया गया और एक वाई दिया गया। हमने क्या फाइंड करना है, यूनियन। यूनियन एक्स यूनियन वाई किस तरह लेंगे स्टूडेंट? हम एक्स, ये जो है ना सिंबल, ये यूनियन का है वाई। अब सबसे पहले हम एक्स के एलिमेंट लिखेंगे 1, 3, 5 यूनियन, वाई के एलिमेंट लिखेंगे 1, 2, 3। अब हमने ये कहा है कि अगर हम यूनियन क्या होता है, यूनियन अगर हम दो सेट के एलिमेंट को एक साथ मिला के लिख लें, राइट करें, तो हमारे पास क्या हासिल होता है, यूनियन हासिल होता है एक्स यूनियन वाई। अब इसको लिखने का एक आसान मेथड ये है स्टूडेंट, जो इसमें कॉमन एलिमेंट है पहले वो राइट कर लें। अब इसमें 1 दोनों में मौजूद है, कॉमन एलिमेंट है 1, इसमें भी है और इसमें भी है। अब 3 इस सेट में भी है, इस सेट में कॉमन एलिमेंट है, पहले वो राइट कर लें, बाद में जो इस सेट में रिमेनिंग एलिमेंट बचे हैं वो राइट करें। 5 है, 5 और इसमें कौन सा है जो कॉमन के अलावा इस सेट में रिमेनिंग एलिमेंट हैं, वो कौन से हैं स्टूडेंट? 2 है इसमें सिर्फ एक। अब ये हमारे पास जो सेट हासिल हुआ इसको हम क्या कहेंगे, यूनियन, एक्स यूनियन वाई। हमने दो सेट के एलिमेंट को मिला के लिखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट। अब इसको हम तरतीब से अगर लिखें एक्स यूनियन वाई, तरतीब जरूरी नहीं होती, अगर हम तरतीब के साथ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1, 2, 3, 5 ये हमारे पास एक्स यूनियन वाई। अब हमने फाइंड करना स्टूडेंट ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। पहले ए के एलिमेंट लिखेंगे स्टूडेंट, ए ई आई ओ यू यूनियन। बी के एलिमेंट, बी सेट के एलिमेंट लिखेंगे ए बी सी, ए यूनियन बी जो है हमारे पास दो सेट के एलिमेंट को हमने एक साथ लिखना है। लेकिन एक बात याद रखें, कोई एलिमेंट रिपीट ना हो तो इसलिए आप पहले कॉमन एलिमेंट को लिखें ए। अब इसमें कोई और ऐसा एलिमेंट जो कॉमन हो दो सेट में, कॉमन एलिमेंट वो होता है जो दोनों सेट में मौजूद हो, जिस तरह ए, ए में भी मौजूद है और बी सेट में भी मौजूद है, ये कॉमन एलिमेंट है।
इसके अलावा कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। अब आप स्टेप टू में आपने ये इस सेट ए में जो रिमेनिंग बचे हैं एलिमेंट वो राइट करें ई आई ओ यू। अब जो बी सेट में कॉमन के एलिमेंट के अलावा जो बचे हुए हैं वो राइट कर दें बी कॉमा सी। अब इसको आप तरतीब लगाना चाहें तो लगा दें ए बी सी ई आई ओ यू। ये हमारे पास है ए यूनियन बी। क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नंबर थ्री है हमारे पास स्टूडेंट। एक हमारे पास सेट है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ थ्री, और b सेट हमारे पास कौन सा गिवन है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स। पहले सेट में नेचुरल नंबर है मल्टीपल थ्री के, और दूसरे b सेट में नेचुरल नंबर का सेट है वो एस जो लेस देन है सिक्स से। अब सबसे पहले हम इसके, क्योंकि ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में राइट किया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसके एलिमेंट जानेंगे सेट में कौन से एलिमेंट आते हैं। तो ए सेट को आप, ए सेट के एलिमेंट क्या होंगे स्टूडेंट, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर है, ऐसे नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ थ्री, थ्री होगा सिक्स नाइन अप टू सो है। अब हम बी सेट को राइट करेंगे, बी सेट के कौन से एलिमेंट हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स, नेचुरल नंबर का सेट है, कौन से नेचुरल नंबर इसमें शामिल है स्टूडेंट, सिक्स से छोटे। तो नेचुरल नंबर का सेट कहां से, नेचुरल नंबर का सेट कहां से शुरू होता है स्टूडेंट, वन टू थ्री फोर फाइव, क्या इसमें सिक्स शामिल होगा, नहीं, क्योंकि उसने कंडीशन लगाई है कि सिक्स से छोटे, तो सिक्स से छोटे ये नेचुरल नंबर है। अब हमने क्या लेना है यूनियन स्टूडेंट, यूनियन के लिए मैंने बात रिपीट कर रहा हूं कि दो सेट का होना मिनिमम लाजमी है, तब हम सेट का यूनियन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब ए यूनियन बी फाइंड करना है हमने, हमने ए के एलिमेंट हमें मालूम है कौन से स्टूडेंट, थ्री सिक्स और नाइन अप टू सो यूनियन। बी सेट के भी हमारे पास एलिमेंट वन का टू थ्री फोर फाइव। स्टूडेंट हमने ए के एलिमेंट राइट किया यहां पे, और इसके बाद बी के एलिमेंट। अब हमने दोनों सेट का यूनियन लेना है, ए यूनियन बी। ए पहले है हमारे पास, तो ए के एलिमेंट पहले राइट करेंगे सेट के, यूनियन इसके बाद है बी सेट, बी के बाद में राइट करें। तो यूनियन में हमने कहा है कि दो सेट के एलिमेंट को अगर हम मिला के लिख लें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो यूनियन कहलाएगा। तो इसमें आप इस तरह लिख सकते हैं इसको, वन कॉमा टू कॉमा थ्री फोर फाइव सिक्स नाइन ट्वेल्व टू सो ऑन। ये हमारे पास है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में आपने दोनों सेट के एलिमेंट को राइट करना है, लेकिन एक बात उसमें जरूर याद रखें कि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट हमारे पास ए, अब एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। अब इस सेट में नेचुरल नंबर का ये सेट है, कौन से नेचुरल नंबर होंगे स्टूडेंट इसमें, एक्स जो है ना स्टूडेंट वो वन से ग्रेटर है, सिक्स से लेस देन इक्वल है, ये अलामत जो है ना लेस देन इक्वल की है। और बी में स्टूडेंट क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, बी भी एक नेचुरल नंबर का सेट है, और इसकी जो कंडीशन है ऐसे नेचुरल नंबर जो छह से बड़े, सिक्स से बड़े और टेन से क्या है स्टूडेंट,
छोटे, हम सबसे पहले इनके एलिमेंट राइट करेंगे। ए में कौन से एलिमेंट आएंगे, नेचुरल नंबर का सेट है। देखिए एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट हम जानते हैं, नेचुरल नंबर जो होते हैं वन से स्टार्ट होता है। लेकिन यहां पे उसने कंडीशन लगा दिया, ऐसे नेचुरल नंबर जो वन से बड़े हो, तो वन से बड़ा कौन सा है, टू, टू के बाद कौन सा आएगा, थ्री, थ्री के बाद कौन सा आएगा स्टूडेंट, फोर, फोर के बाद कौन सा आएगा, फाइव, फाइव सिक्स से छोटे और सिक्स भी के इक्वल, इसमें इस सेट में सिक्स भी क्या होगा, शामिल होगा। अब हम स्टूडेंट बी सेट के एलिमेंट लिखेंगे, ये हमारे पास थे ए सेट के, अब हम राइट करेंगे बी सेट के एलिमेंट। अब बी सेट के एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, अब एक्स जो है एक नेचुरल नंबर का सेट है बी, कौन से नेचुरल नंबर इस सेट में शामिल होंगे, जो सिक्स से बड़े और टेन से छोटे। सिक्स से बड़ा कौन सा स्टूडेंट, सेवन, एट और नाइन। अब हमने इन दो सेट का क्या लेना है, यूनियन लेना है, ए यूनियन बी। ए क्या हमारे पास स्टूडेंट, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। बी क्या हमारे पास, सेवन, एट, नाइन। यूनियन दोनों सेट के एलिमेंट को मिला के लिख ले, ए यूनियन बी, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। ये हमारे पास ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी। आगे स्टूडेंट क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, हमारे पास ए हमें दिया गया है वन कामा टू कामा थ्री, बी जो है खाली सेट है, एक हमारे पास ला भी है। अगर हम किसी भी सेट का खाली सेट के साथ यूनियन लेंगे, दोबारा हमारे पास एक ला भी है स्टूडेंट, अगर हम किसी सेट का खाली सेट के साथ एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लें तो हमारे पास वही सेट दोबारा आ जाता है। देखें ए यूनियन एम्प्टी सेट लेंगे हम, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ए आएगा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो है ए गिवन है हमारे पास वन टू थ्री, बी हमारे पास है स्टूडेंट एम्प्टी सेट, नल सेट है हमारे पास, अभी इसका यूनियन लेना है, ए यूनियन बी। ए के एलिमेंट राइट करें वन कॉमा टू कॉमा थ्री, यूनियन बी एम्प्टी सेट है, हमने इन दोनों सेट के एलिमेंट को मिला के राइट करना है, वन कॉमा टू कॉमा थ्री, सेट में कोई है भी नहीं, इस सेट के एलिमेंट भी नहीं है, तो लिख राइट क्या करना है, ए यूनियन बी। ये कौन सा सेट है हमारे पास, ए। अब बी क्या था हमारे पास, ए यूनियन बी हमारे पास एक एम्प्टी सेट था, हमारे पास रिजल्ट क्या आया स्टूडेंट, ए। देखिए हमने खाली सेट का अगर ए के साथ यूनियन लिया तो हमारे पास जो रिजल्ट आया यूनियन का, वो दोबारा वही ए सेट हासिल हुआ हमें, कौन सा सेट हासिल हुआ हमें स्टूडेंट, ए। यहाँ पे देखें आप, ये जो है ना ए के इक्वल है, ए जो है ना इस सेट के इक्वल है, वन टू थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर टू। लेट ए हमारे पास एक सेट गिवन है, एक बी सेट गिवन है, इज ए सबसेट है बी का। इसमें एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले हमने ये बताना है कि क्या ए सबसेट है बी का, और दूसरी बात इसमें हमने ये बतानी है व्हाट इज ए यूनियन बी। अब देखिये ए सबसेट, पहले क्वेश्चन का जवाब देते हैं, ए सबसेट है बी का, सबसेट मीन क्या होता है, ए कब सबसेट होगा बी का, जब ए के सारे एलिमेंट बी में क्या होंगे, मौजूद होंगे। अब यहां पे देखें ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं तो ए सबसेट होगा बी का। ए हमारे पास जो गिवन सेट है, ए हमारे पास क्या स्टूडेंट, ए कॉमा बी, और बी हमारे पास क्या स्टूडेंट, ए कॉमा बी कॉमा सी। अब देखें ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद है, ए भी बी में मौजूद है, ए भी बी में मौजूद है,
और बी भी बी में क्या है मौजूदगी, तो ए सबसेट होगा बी का। यस यस ए सबसेट होगा बी का। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी। ए हमारे पास क्या स्टूडेंट, ए कॉमा बी, यूनियन बी क्या हमारे पास, ए कॉमा बी कॉमा सी। दोनों सेट के एलिमेंट को मिला के राइट करें, लेकिन कोई एलिमेंट रिपीट ना हो सी। अब देखें ये वाला सेट किस चीज के इक्वल है, और ये बात हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में बतानी है। ये वाला ए यूनियन बी, ये वाला सेट किसके इक्वल है, हमारे पास बी के इक्वल है, बी के इक्वल है। अब जब ए सबसेट था बी का, तो जब हमने ए का यूनियन लिया बी के साथ, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया स्टूडेंट, बी सेट। और ये बात अब हमने क्वेश्चन थ्री में बतानी है। क्वेश्चन थ्री क्या स्टूडेंट हमारे पास, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स हैं हमारे पास सच दैट, वो कहता है ए सबसेट हो बी का, देन व्हाट इज ए यूनियन बी क्या होगा। अभी हमने प्रूव किया है जब ए सबसेट था बी का, और अब हमने ए का यूनियन लिया बी के साथ, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या था, बी सेट। तो हम इसका जो आंसर है हमारे पास, ए एंड बी अगर कोई से दो सेट हो, ए सबसेट हो बी का, तो यूनियन किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, ए यूनियन बी जो होगा वो बी के इक्वल होगा, बी सेट के इक्वल होगा, क्योंकि बी सेट में ए के सारे एलिमेंट मौजूद हैं, क्योंकि ए जो है सबसेट है बी का, तो इसके रिजल्ट में बी सेट आएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर, हमें सेट दिए गए हैं, इफ अगर ए सेट है, बी है, सी है एंड डी, ए बी सी, ए बी सी एंड डी सेट हमारे पास गिवन है, हमने फाइंड करना है क्वेश्चन का जो पार्ट नंबर वन है हमारे पास, ए यूनियन बी, ये वाला जो सिंबल है ये यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इसको किस तरह, हमारे पास सेट गिवन है, हम सिर्फ इसका यूनियन लेंगे ए यूनियन बी। पहले हम ए के सेट के एलिमेंट लिख राइट करेंगे, तो सबसे पहले हम ए सेट के एलिमेंट राइट करेंगे, वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर, यूनियन बी सेट के एलिमेंट राइट करेंगे, थ्री फोर फाइव सिक्स, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दोनों सेट के एलिमेंट को एक साथ लिखेंगे, लेकिन कोई एलिमेंट दोबारा रिपीट ना हो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स स्टूडेंट, ये है हमारे पास ए यूनियन बी, और ये हमने क्या करना था, फाइंड करना था। पार्ट टू है हमारे पास स्टूडेंट, ए यूनियन सी, अब हमने ए का यूनियन लेना है सी के साथ, तो दोनों सेट हमारे पास क्या है स्टूडेंट, गिवन है। सबसे पहले हम ए के सेट के एलिमेंट लिखेंगे, वन टू थ्री फोर, यूनियन सी सेट लिखेंगे, सी सेट ये हमारे पास फाइव सिक्स सेवन एट। यूनियन में हम दोनों सेट के एलिमेंट को एक साथ लिखते हैं, लेकिन कोई एलिमेंट दोबारा रिपीट ना हो, एक एलिमेंट को हमने एक बार राइट करना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। देखिए दोनों सेट के एलिमेंट यहाँ पे है, और कोई भी एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं हो रहा, तो ये था हमारे पास ए यूनियन सी। अब हम फाइंड करेंगे इसका तीसरा पार्ट, वो हमारे पास है बी यूनियन सी। पहले हमने पहले पार्ट में हमने एक
का यूनियन लिया बी के साथ, दूसरे पार्ट में हमने ए का यूनियन लिया सी के साथ, और तीसरे पार्ट में बी का यूनियन लेना है सी के साथ। अब पहले कौन सा सेट राइट करेंगे? बी, क्योंकि बी सेट क्या है हमारे पास पहले है, इसके बाद यूनियन, इसके बाद क्या सी, बी का यूनियन लेना है सी के साथ। तो बी हमारे पास है स्टूडेंट 3, 4, 5, 6, तो यूनियन। सी हमारे पास क्या स्टूडेंट 5, 6, 7, 8। अब इस तरह भी राइट, पहले आप कॉमन एलिमेंट है वो राइट करें। इसमें कॉमन एलिमेंट कौन से स्टूडेंट 5 है, इसमें भी है और इसमें भी गिवन है, 5 लिखें। इसके बाद 6 लिखें, 6 क्योंकि दोनों सेट में मौजूद है तो ये कॉमन एलिमेंट होगा। अब इस सेट में जो रिमेनिंग बचे हैं वो लिखें 3, 4, और इस सेट में जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो राइट करें 7, 8। अब इसको आप तरतीब के साथ लिख लें 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये भी एक यूनियन लेने का एक वे है, पहले आप कॉमन एलिमेंट लिखें दोनों सेट के, फिर आप जो उनके कॉमन एलिमेंट के अलावा जो इस सेट में एलिमेंट मौजूद है वो राइट कर लें, फिर उनको तरतीब लगा दें। अगर ना भी दे तो आपका यूनियन क्या होगा, ठीक होगा। अब आते हैं पार्ट 4 की तरफ स्टूडेंट। पार्ट फोर क्या है हमारे पास स्टूडेंट? पार्ट 4 है हमारे पास बी यूनियन डी। हमने बी का यूनियन लेना है डी के साथ, और बी भी हमारे, बी अब क्या है हमारे पास स्टूडेंट 3, 4, 5, 6। बी सेट का यूनियन ले रहे हैं हम डी के साथ। अब डी सेट यहां पे राइट करेंगे, डी सेट हमारे पास क्या है 7, 8, 9, 10 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यूनियन डी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये इसके क्या है यूनियन। देखिए दोनों सेट के एलिमेंट यूनियन में मौजूद है, यूनियन के सेट को बिलोंग करते हैं। देखिए 3, 4, 5, 6 यहाँ पे देखें थोड़ा सा 3, 4, 5, 6 ये ए है, 7, 8, 9, 10 ये हमारे पास क्या स्टूडेंट बी है, इसको आप ये ए के एलिमेंट है और ये बी के एलिमेंट है, यानी हमने दो सेट के एलिमेंट को एक साथ एक सेट में क्या कर दिया, राइट कर दिया, कंबाइन कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, दो सेट का यूनियन बन गया। अब आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट की तरफ, वो है हमारे पास 5, वो है हमारे पास स्टूडेंट ए यूनियन बी यूनियन सी। हाँ, यूनियन लेने के लिए हमने कहा था अगर हमने किसी भी यूनियन के लिए हमारे पास दो मिनिमम दो सेट का होना जरूरी था, दो से ज्यादा भी सेट का यूनियन लिया जा सकता है, मिनिमम जो हमारे पास कंडीशन थी वो दो सेट का होना जरूरी था। अब यहाँ पे हम पहले दो सेट का यूनियन ले रहे थे, अब यहाँ पे कौन कितने सेट आ गए स्टूडेंट 3, एक ए है एक हमारे पास बी है और एक हमारे पास सी है। अब हम तीन सेट का यूनियन, अगर हम तीन सेट हमारे पास गिवन हो हम किस तरह लेंगे, तो आप सबसे पहले किसी दो सेट का यूनियन लेंगे, ए यूनियन बी ले लें पहले या बी यूनियन ए ले लें, तो फिर अब इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट ए यूनियन बी यूनियन सी। हम सबसे पहले बी यूनियन सी को सॉल्व करेंगे और इसका जो रिजल्ट आएगा उसका ए के साथ क्या लेंगे यूनियन लेंगे, तो हम इसको इस तरह राइट करेंगे ए यूनियन
ए यूनियन डी यूनियन सी, ए के एलिमेंट लिखें स्टूडेंट, ए के सेट के एलिमेंट हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 1, 2, 3, 4। अब यहां पे देखें स्टूडेंट, हम तीन सेट का यूनियन ले रहे हैं, हम सबसे पहले बी यूनियन सी लेंगे और इसका जो रिजल्ट आएगा उसका ए के साथ क्या लेंगे, यूनियन लेंगे। ए सेट को हमने राइट किया, यूनियन बी सेट को राइट करें, बी क्या हमारे पास, बी हमारे पास है 3, 4, 5, 6, यूनियन हमारे पास सी सेट क्या है 5, 6, 7, 8। अब सबसे पहले जो ब्रैकेट जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर है, तो उसको सॉल्व करें पहले। वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर यूनियन, अब इनका रिजल्ट जो आएगा यूनियन लें दो सेट का, इसमें आएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसका जो रिजल्ट है दो सेट का यूनियन लेने के बाद, उसका जो सेट ए के साथ इसके साथ क्या लें, यूनियन लें, तो ए यूनियन बी यूनियन सी, अब इसका इन दो का यूनियन ले लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये हमारे पास है ए यूनियन बी यूनियन सी के इक्वल। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास स्टूडेंट ए, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास स्टूडेंट ए यूनियन बी यूनियन डी। पहले हमने पहले पार्ट में हमने इस आखिरी दो को पहले सॉल्व किया था, इसका जो रिजल्ट आया उसको पहले के साथ, उसका पहले सेट के साथ क्या लिया था हमने, यूनियन। अब हम कुछ इस तरह करेंगे, ए यूनियन बी का पहले लेंगे और जो रिजल्ट होगा उसका डी के साथ यूनियन लेंगे। अब ए यूनियन ए क्या है हमारे पास स्टूडेंट, 1, 2, 3, 4। यूनियन बी क्या है हमारे पास स्टूडेंट, 3, 4, 5, 6। अब यूनियन डी क्या है हमारे पास स्टूडेंट, 7, 8, 9, 10। अब हम लेंगे ए यूनियन बी, टू यूनियन क्या है हमारे पास डी, दो का यूनियन लें स्टूडेंट, क्या आएगा हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 यूनियन 7, 8, 9, 10। ए यूनियन बी यूनियन डी जो होगा हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसका लास्ट पार्ट है स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का, बी यूनियन सी यूनियन डी, बी के एलिमेंट क्या है स्टूडेंट हमारे पास 3, 4, 5, 6 यूनियन 3, 4, 5, 6 यूनियन, सी के एलिमेंट क्या है स्टूडेंट हमारे पास 5, 6, 7, 8 और डी के एलिमेंट क्या है स्टूडेंट हमारे पास
सेवन एट और नाइन टेन। अब ये हमारे पास बी सेट है यूनियन, ये हमारे पास सी सेट है, और ये हमारे पास स्टूडेंट डी सेट है। हम तीनों का यूनियन ले रहे हैं, आपकी मर्जी बी यूनियन सी पहले ले लें, बाद में इसका जो रिजल्ट है डी के साथ ले, या फिर सी यूनियन डी पहले ले लें, सी यूनियन डी पहले ले जिसका रिजल्ट है वो बी के साथ ले। तो मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट बी यूनियन सी यूनियन डी, आखिरी सी का यूनियन ले रहा हूँ डी के साथ पहले, थ्री फोर फाइव सिक्स यूनियन फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, फाइव सिक्स ये सिक्स है हमारे पास, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, बी यूनियन सी यूनियन डी जाएगा थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। ये हमारे पास पी यूनियन सी यूनियन डी। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। हमारे पास सेट गिवन है, हमने उनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन के लिए भी स्टूडेंट मिनिमम दो सेट का होना लाजमी है। इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट को लिखते हैं, जो कॉमन एलिमेंट होते हैं दोनों सेट में। कॉमन एलिमेंट मीन जो एलिमेंट दोनों सेट में मौजूद हो वो इंटरसेक्शन में लिखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव का पार्ट नंबर जो वन है, एक्स और वाई दिए गए और हमने दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं। एक्स ये वाला जो उल्टा यू मैं साइन यूज कर रहा हूं, ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। वाई, अब एक्स क्या है हमारे पास स्टूडेंट, वन कॉमा थ्री कॉमा फाइव, इंटरसेक्शन वन कॉमा टू कॉमा थ्री। अब हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जाए तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आते हैं, कॉमन एलिमेंट जो दोनों सेट में मौजूद हो। अब यहां पे देखें वन है हमारे पास, अब वन इसमें भी मौजूद है, वन वाई में भी मौजूद है, ये कॉमन एलिमेंट है, वन आएगा इसमें, थ्री थ्री इसमें भी मौजूद है, वाई में भी मौजूद है। इसके अलावा इन दो एलिमेंट्स के अलावा कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों सेट में मौजूद हो, और यही इसका क्या कहलाएंगे, दो सेट का इंटरसेक्शन कहलाएंगे। अब हमने ए इंटरसेक्शन बी लेना है स्टूडेंट, बी ए क्या हमारे पास, ए ई आई ओ यू इंटरसेक्शन, बी क्या हमारे पास, ए बी सी। अब यहां पर देखें कौन सा एलिमेंट दोनों सेट में मौजूद है, जो एलिमेंट इन दोनों सेट में मौजूद होगा वो इंटरसेक्शन में लिखा जाएगा, इंटरसेक्शन को बिलोंग करेगा। ए इंटरसेक्शन बी, ए को देखें आप, ए इसमें भी मौजूद है, ए में भी मौजूद है और बी में भी मौजूद है, एक तो ए आएगा, दूसरा कौन सा आएगा स्टूडेंट, ई इसमें तो है इसमें नहीं है, ये कॉमन एलिमेंट नहीं। आई आई इसमें भी मौजूद नहीं है, आई के बाद ओ भी इसमें मौजूद नहीं है, यू यू भी इसमें मौजूद नहीं है। एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेट में मौजूद है और वो इसका क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन कहलाएगा। अब स्टूडेंट हमें एक सेट दिया गया है एक्स, सच दैट एक्स जो है नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ थ्री, और एक बी सेट दिया गया हमें एक्स, सच दैट एक्स जो है नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स। तो हमने क्या फाइंड करना स्टूडेंट, इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ए
इंटरसेक्शन बी। अब हम स्टूडेंट ए के एलिमेंट लिखेंगे। स्टूडेंट ए के एलिमेंट क्या है स्टूडेंट? एक्स, सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ थ्री। थ्री होगा एक, सिक्स और नाइन, ट्वेल्व, इंटरसेक्शन हमारे पास बी के कौन से एलिमेंट होंगे? एक्स, सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट है स्टूडेंट? एक, दो, तीन, फोर, फाइव। स्टूडेंट नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, लेस देन सिक्स। यहां पे उसने कंडीशन लगाई है कि छह से छोटे जो एलिमेंट होंगे, नेचुरल नंबर होंगे, वो इस सेट को हिस्सा बनेंगे, सेट को क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। अब आए यहां पे स्टूडेंट्स के कौन सा एलिमेंट कॉमन है हमारे पास? ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए कौन सा एलिमेंट? थ्री। थ्री इसमें भी मौजूद है और थ्री इसमें भी मौजूद है। अब थ्री के बाद है सिक्स। सिक्स जो है ना इस सेट में तो फाइव से छोटे हैं, सिक्स से छोटे एलिमेंट मौजूद है इस सेट में, तो सिक्स से छोटे एलिमेंट मौजूद है। सिक्स, सिक्स के बाद नाइन, नाइन के बाद ट्वेल्व, तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस सेट में मौजूद हो। इसका इंटरसेक्शन स्टूडेंट होगा थ्री। थ्री एक इस इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट आता है, वो है कौन सा? थ्री। आ गया स्टूडेंट ए, हमें दिया गया ए जो है ना एक्स, सच दैट एक्स जो है एक नेचुरल नंबर है। एंड कौन से नेचुरल नंबर इस सेट में शामिल होंगे? जो वन से ग्रेटर होंगे और सिक्स से इक्वल और लेस देन होंगे। और बी जो है ना एक्स, सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एंड अब इस सेट में भी नेचुरल नंबर है, लेकिन कौन से नेचुरल नंबर है? जो सिक्स से ग्रेटर और टेन से जो है लेस, छोटे हैं, टेन से छोटे, सिक्स से बड़े। हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, दोनों सेट का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अब ए में कौन से आएंगे? वन से बड़े और छह से छोटे और बराबर, तो टू होगा। वन से बड़ा टू है, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद फोर, फोर के बाद क्या स्टूडेंट? टू, थ्री, फोर, फोर के बाद फाइव। इसमें सिक्स शामिल होगा क्योंकि सिक्स के इक्वल भी है। अब हमारे पास स्टूडेंट इंटरसेक्शन बी सेट में कौन से होंगे स्टूडेंट? एक्स, सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर है। एक्स जो है ना ग्रेटर देन है सिक्स, सिक्स के बाद क्या आता स्टूडेंट? सेवन, एट, एट के बाद स्टूडेंट क्या है? नाइन, टेन होगा इसमें शामिल? नहीं, क्योंकि इस कंडीशन के मुताबिक इसमें वो वाले एलिमेंट शामिल होंगे जो सिक्स से बड़े और टेन से छोटे होंगे। ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका जो इसमें देखें कोई एलिमेंट इसमें कॉमन है? कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन आएगा नल सेट, एम्प्टी सेट। कोई भी सेट, कोई भी एलिमेंट इन दोनों सेट में कॉमन नहीं है, तो जिस अगर दोनों दो सेट हैं आपके पास, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो उसका जो इंटरसेक्शन होगा वो एक एम्प्टी सेट होगा, नल सेट होगा, जैसे कि हमने अभी ए फाइंड किया है। अब क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट फाइव, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। हम इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं। अब हमारे पास एक ए सेट गिवन है और दूसरा बी, हमने दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी, ए सेट क्या है हमारे पास स्टूडेंट? वन, टू, थ्री। इंटरसेक्शन बी क्या है हमारे पास? एम्प्टी सेट। अब देखिए किसी भी एम्प्टी सेट का अगर किसी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो कौन सा सेट आएगा? एम्प्टी सेट आएगा रिजल्ट में, क्योंकि एक सेट एम्प्टी है तो उसमें कोई एलिमेंट भी मौजूद नहीं है, तो फिर कॉमन एलिमेंट
कहाँ से आएंगे हमारे पास, कोई कॉमन एलिमेंट भी नहीं होगा। ए इंटरसेक्शन बी, देखिए इसमें कोई एलिमेंट नहीं है और इसमें एलिमेंट मौजूद है, कॉमन एलिमेंट तो इसमें कोई नहीं है। कॉमन एलिमेंट जब तब हम ढूंढते तलाश करते दो सेट में, कॉमन एलिमेंट हम उस वक्त तलाश करते हैं जब हमारे पास दोनों सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट या कुछ होता है। तो ये इस सेट में तो एलिमेंट है 1 2 3, इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं पड़ा हुआ, तो हमारे पास इसमें कोई सेट, इस सेट में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी एक एम्प्टी सेट, नल सेट आएगा। हम एम्प्टी सेट को इस तरह भी लिखते हैं स्टूडेंट, डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा स्टूडेंट वो है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज हमारी जो चल रही है 1.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास सेट हमारे गिवन है और हमने फाइंड करना है दिस, इफ ए जो है ना, एक सेट हमारे पास ए गिवन है, बी गिवन है, सी एंड डी, मैंने फाइंड करना है दिस ए इंटरसेक्शन बी। अब ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, ये आपके पास गिवन है 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन बी क्या स्टूडेंट हमारे पास 7 9 11 13। अब इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट होते हैं स्टूडेंट, कॉमन एलिमेंट दोनों सेट के, ए इंटरसेक्शन बी इसमें कॉमन एलिमेंट कौन से हैं 7 9 11 7 9 11 7 9 11, ये इसका क्या हो गया इंटरसेक्शन। अब हमने फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन सी, बी के कौन से एलिमेंट हैं स्टूडेंट 7 9 11 13, इंटरसेक्शन हमारे पास सी क्या है 11 30 50, हमारे पास कॉमन एलिमेंट कौन से हैं स्टूडेंट इसमें 11 30। आगे हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, एक ए का सेट राइट करें स्टूडेंट, ए का सेट राइट करें स्टूडेंट 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन क्या है हमारे पास सी जो है हमारे पास स्टूडेंट 11 30 15 है, और डी क्या स्टूडेंट हमारे पास इंटरसेक्शन 70। पहले इन दो का इंटरसेक्शन लें स्टूडेंट, क्या आता है हमारे पास इसमें 11 कॉमन है दोनों, इसमें भी है और इसमें भी है, इंटरसेक्शन होगा हमारे पास अब 15 एंड 17। अब इसमें कौन सी चीज कॉमन है स्टूडेंट, दोनों सेट में कोई चीज कॉमन है नहीं है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा एम्प्टी सेट। आगे ए इंटरसेक्शन सी, ए के एलिमेंट कौन से हैं स्टूडेंट हमारे पास, ए के एलिमेंट है हमारे पास 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन है स्टूडेंट हमारे पास सी, सी के हमारे पास 11 30 50, इसमें क्या चीज कॉमन है 11 कॉमन है, तो ये उसका क्या कहलाएगा इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट लिखते हैं। अब इसका पार्ट 5 है स्टूडेंट बी इंटरसेक्शन डी, अब बी क्या हमारे पास 7 9, बी हमारे पास 7 9 11 13, इंटरसेक्शन डी जो है हमारे पास 50 और 17, कोई है इसमें कॉमन, कोई एलिमेंट कॉमन नजर नहीं आ रहा, तो इसका रिजल्ट क्या होगा एक नल सेट। अब यहाँ पार्ट 6 को देखें स्टूडेंट, अब यहाँ पे हमने पहले ही क्या फाइंड करना है, क्योंकि असूल के मुताबिक ब्रैकेट्स को वाले को जो हम पहले सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर जो होता है उसको हम क्या करते हैं पहले सॉल्व करते हैं, बाद में जो इसका रिजल्ट आएगा वो इसके ए के साथ उसका इंटरसेक्शन लेंगे। अब देखें ब्रैकेट में उसने क्या है बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन लेना है
और जो रिजल्ट है आपके पास उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। सबसे पहले सेट राइट करें, ए क्या है हमारे पास 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन। अब हमारे पास बी क्या है स्टूडेंट 7, 9, 11, 30 यूनियन लेना है स्टूडेंट सी के साथ। सी के हमारे पास 11, 30, 50 अब हमारे पास क्या आएगा 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन। इसके यूनियन में क्या होते हैं, दोनों सेट के एलिमेंट को हम कंबाइन करके लिखते हैं। 7 होगा 9 होगा 11 13 के बाद क्या होगा 50। अब इसके दरमियान कौन सा साइन है इंटरसेक्शन का, तो इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन में स्टूडेंट है 7, 9, 11 ये इसका क्या है इंटरसेक्शन आ गया ए इंटरसेक्शन डी। अब ए क्या, ए इंटरसेक्शन डी जो है हमारे पास स्टूडेंट ए के एलिमेंट कौन से हैं हमारे पास 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन डी के एलिमेंट कौन से हैं हमारे पास स्टूडेंट 7। कोई चीज इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा नल सेट, जिसे हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं एम्प्टी सेट। अब देखें ये आप खुद करेंगे, खुद ट्राई करें, क्योंकि ये पार्ट फोर जो है मैंने अभी सॉल्व किया है। अब इसका बी का यूनियन लेना है डी के साथ, जो रिजल्ट है उसका आपने इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, ये खुद ट्राई करें आप। अब देखें स्टूडेंट हमारे पास सेट गिवन है, अब ये कुछ इस तरह क्वेश्चन है, उसने कहा ए इंटरसेक्शन बी, ए का इंटरसेक्शन लें बी के साथ, बी यूनियन सी लें और जो रिजल्ट है उसका इंटरसेक्शन लें। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या स्टूडेंट हमारे पास 3, 5, 7, 9, 11 सेक्शन बी के एलिमेंट कौन से हैं 7, 9, 11 और 30 इसमें कॉमन क्या चीज है 7, 9, 11 ये है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी 7, 9, 11 अब हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। अब बी क्या हमारे पास स्टूडेंट 7, 9, 11, 30 हमने यूनियन किसके साथ लेना है सी के साथ, बी का यूनियन लेना है सी के साथ, तो सी के सेट के एलिमेंट कौन से हैं 11, 30, 15 अब इस बी यूनियन सी लें स्टूडेंट, इसका यूनियन में दोनों सेट के एलिमेंट राइट करते हैं कंबाइन करके लिखते हैं 7, 9, 11, 30 और क्या होगा 50। अब यहाँ पे पुट कर दें ए इंटरसेक्शन बी जो हमारे पास क्या है वो ये है ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारे पास वो है 7, 9, 11 अब इसके दरमियान जो साइन है वो क्या स्टूडेंट इंटरसेक्शन का। अब बी यूनियन सी क्या हमने निकाला है स्टूडेंट, ये वाला बी यूनियन सी जो है हमारे पास 7, 9, 11, 30, 50 अब इन दोनों का क्या रहेंगे हम इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में क्या आएगा स्टूडेंट 7, 9, 11 दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट है 7, 9 और 11 इसी तरह स्टूडेंट इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो लास्ट पार्ट है हमारे पास ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, हम ए का यूनियन लेंगे डी के साथ और इंटरसेक्शन बी का यूनियन लेंगे सी के साथ। अब सबसे पहले ए यूनियन डी, ए और डी वाले, ए और डी वाले आप सारे पहले आप सबसे पहले आप ए यूनियन डी मालूम करें स्टूडेंट,
ए यूनियन डी क्या है हमारे पास, ए क्या है हमारे पास, 3, 5, 7, 9, 11, यूनियन डी क्या है हमारे पास, 15, 17, ए यूनियन डी 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17। अब हमने क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, पहले हमने ए यूनियन डी फाइंड किया, अब हम क्या करेंगे बी यूनियन सी, और बी यूनियन सी अभी हमने फाइंड किया, यहां पे देखिए ये वाला, सबसे पहले ए यूनियन डी लिखिए, ए यूनियन डी क्या आता है स्टूडेंट हमारे पास 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17 इंटरसेक्शन है हमारे पास बी यूनियन सी, बी यूनियन सी क्या अभी हमने फाइंड किया हुआ है 7, 9, 11, 30, 50। अब इन दोनों में कौन से कॉमन एलिमेंट है स्टूडेंट, एक तो इसमें, इसमें जो कॉमन एलिमेंट 7 आएगा, 7 इसमें भी, 3 इसमें नहीं है, 5 भी इसमें नहीं है, 7, 7 इसमें है, 9 भी इसमें क्या स्टूडेंट है, 11 भी है और 15 है इसमें, हाँ 15 भी इसमें है, 13 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है। ये जो रिजल्ट है ये क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 10 का ये होगा, इसका इंटरसेक्शन ये होगा। आगे स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, उसमें भी हमें सेट दिए गए और हमने कुछ फाइंड करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है, क्योंकि हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं पांचवें क्वेश्चन से। अब देखिये यहाँ पे उसने कुछ सेट दिए हैं, यहाँ पे सेट उसने बिल्डर नोटेशन में दिए हुए हैं, उसने कहा इफ ए जो है एक्स इज अ नेचुरल नंबर, बी जो है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स जो है इज एन एक्स सच दैट एक्स जो है एन ऑड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, इफ ए एक सेट दिया गया एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, बी जो है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर का सेट है बी, और सी जो है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, सी जो है ऑड नेचुरल नंबर का सेट है, एंड डी एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, और डी जो है प्राइम नंबर का सेट है। फाइंड हमने क्या करना है, दिस ए इंटरसेक्शन बी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखें ए जो है नेचुरल नंबर का सेट है स्टूडेंट, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, up to 16 इंटरसेक्शन। अब बी में कौन सा स्टूडेंट, बी कौन सा सेट है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर में कौन होंगे 2, 4, 6, 8, up to 16। अब इंटरसेक्शन इसमें भी ऑड भी है और इवन नेचुरल नंबर भी शामिल है, बी में सिर्फ इवन नंबर शामिल है, तो इस ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा स्टूडेंट, एक्स सच दैट एक्स जो है इज अ सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इस तरह हम इसको रिजल्ट करेंगे, इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, क्योंकि इवन ऑड नंबर में, क्योंकि ए में ऑड नेचुरल नंबर भी है, इवन नेचुरल नंबर भी है, और बी में सिर्फ इवन नेचुरल नंबर है, तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आते तो इवन नेचुरल नंबर का सेट आएगा। अब ए इंटरसेक्शन सी, अब ए जो है स्टूडेंट वो क्या है, एक नेचुरल नंबर का सेट है 1, 2, 3, 4 इंटरसेक्शन बी, सी क्या इंटरसेक्शन सी क्या स्टूडेंट हमारे पास ऑड नेचुरल नंबर का सेट, ऑड कौन से होते हैं 1, 3, 5। अब इसका जो रिजल्ट आएगा ए इंटरसेक्शन सी वो आएगा एक्स सच दैट, कौन से आएंगे इसमें कॉमन एलिमेंट 1, 3,
फाइव यानी कि ऑड नेचुरल नंबर का सेट आएगा, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। आगे स्टूडेंट जो है इसका नेक्स्ट पार्ट ए इंटरसेक्शन डी। अब देखें ए क्या होता है स्टूडेंट, ए हमारे पास है नेचुरल नंबर। अब जो ए हमारे पास स्टूडेंट वन टू थ्री, क्योंकि हमारे पास है नेचुरल नंबर का सेट फोर फाइव, इंटरसेक्शन डी जो है एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो डिवाइजर, एक को वन पे डिवाइड हो और दूसरा वो खुद पे डिवाइड। टू थ्री फाइव, टू थ्री फाइव सेवन अप टू सोलह। अब इसमें हम कौन से इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आएंगे स्टूडेंट, मेरे ख्याल में इंटरसेक्शन में जो आएंगे वो तो टू होगा, थ्री होगा, फाइव सेवन, इस तरह का जो इंटरसेक्शन का सेट जो होगा हमें हासिल होगा। इंटरसेक्शन में इस तरह के एलिमेंट हम राइट डाउन। अब ये कौन सा सेट है देखें, प्राइम नंबर का सेट है, तो इसमें जो आएगा एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर सेवन का बी इंटरसेक्शन डी। बी क्या है हमारे पास, इवन नेचुरल नंबर टू फोर सिक्स एट, इंटरसेक्शन डी क्या है हमारे पास स्टूडेंट, प्राइम नंबर टू थ्री फाइव सेवन, फाइव सेवन। देखिए इसमें, अब इसमें देखें कौन से एलिमेंट कॉमन है, सिर्फ इसमें टू कॉमन है बस, बी इंटरसेक्शन डी में टू के अलावा कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसमें क्या हो कॉमन, क्योंकि सिर्फ टू एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी है। तो हम डी का इवन नेचुरल नंबर का प्राइम नंबर के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो टू ही इस टू ही बी इंटरसेक्शन डी में आएगा। आगे सी इंटरसेक्शन डी, सी क्या है हमारे पास स्टूडेंट, और नेचुरल नंबर देखिए यहाँ पे गिवन है ऊपर हमें क्वेश्चन जो है ए बी सी डी हमारे पास गिवन है, और नेचुरल नंबर क्या है वन थ्री फाइव सेवन। इंटरसेक्शन डी क्या स्टूडेंट हमारे पास, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन सा स्टूडेंट, अभी हमने कहा ऐसे नंबर जिसके सिर्फ दो डिवाइजर हो, एक वन हो और एक वो बताते खुद पे डिवाइड थ्री और फाइव सेवन। अब यहाँ पे देखें कौन से आएंगे, इस इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट राइट डाउन करते तो एक तो थ्री आएगा, थ्री के बाद फाइव आएगा, फाइव के बाद सेवन, नाइन, नाइन नाइन इसमें तो है लेकिन नाइन प्राइम नंबर का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है, नाइन के एक तो नाइन को वन डिवाइड करता है, थ्री करता है नाइन, इसके डिवाइडर दो से क्या है अप है ज्यादा है, तो ऐसे नंबर प्राइम नंबर नहीं कहलाते। तो इसमें सिर्फ आएगा थ्री फाइव सेवन अप टू सोवन, तो इसको हम लिखेंगे सी इंटरसेक्शन डी, एक्स एक्स इज अ प्राइम नंबर। एक्स इज अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट, सेट के पेयर दिए गए हैं आर डिसजॉइंट, कौन सा पेयर डिसजॉइंट है। वर्ड जो इतने यूज किया डिसजॉइंट, हम सबसे पहले इसे सीखेंगे कि डिसजॉइंट क्या है हमारे पास। अगर स्टूडेंट आपके पास कोई दो सेट हैं, एक ए है और एक बी है, ये डिसजॉइंट तब होंगे जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लें, वो क्या है नल सेट है, एम्प्टी सेट है। इंटरसेक्शन क्या है स्टूडेंट इसका, एक खाली सेट हो। आपके पास दो सेट हैं कोई से, एक ए है
एक क्या है स्टूडेंट बी, हमने बताना है कि ये दो सेट डिसजॉइंट हैं या नहीं। तो हम कैसे बताएंगे उसको, हम इन दो सेट ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे। अगर इंटरसेक्शन हमारे पास खाली सेट यानी कि एम्प्टी सेट आ गया, खाली सेट या एम्प्टी सेट आ गया, तो वो पेयर्स जो होंगे सेट के डिसजॉइंट होंगे। इंटरसेक्शन तो हम काफी एग्जांपल कर चुके हैं, सीख चुके होंगे। अब इसमें हमें उसने वो कहता है कि एक सेट ये है 1, 2, 3, 4 एंड दूसरा सेट उसने दिया है x, सच दैट x जो है इधर नेचुरल नंबर, एंड कौन से नेचुरल नंबर जो 4, जो 4 से बड़े और बराबर, ये जो साइन है ना ये बड़े और बराबर का है, और 6 से छोटे और बराबर। अब हम कि हमें क्या पता चलेगा कौन ये दो पेयर जो दिए गए हैं ये डिसजॉइंट हैं या नहीं, तो हम इसके लिए इसके इंटरसेक्शन लेंगे इनका। अब इनका इंटरसेक्शन 1, 2, 3, 4 इंटरसेक्शन। अब ये इस सेट में क्या जिस कौन से एलिमेंट है, 4 भी शामिल है 4 से बड़े भी, 6 भी शामिल है 6 से छोटे भी, 4 आएगा 5 आएगा और 6 आएगा। स्टूडेंट इस इंटर आप देखें स्टूडेंट यहाँ पे इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट राइट डाउन करते हैं कौन सा एलिमेंट है 4। अब जब मैंने इसका इंटरसेक्शन लिया तो हमारे पास 4 कॉमन एलिमेंट आ गया। 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेट में क्या है कॉमन है, तो ये सेट जो है ना नॉट डिसजॉइंट तब होता जब इनका इंटरसेक्शन लेते तो हमारे पास इसका जो रिजल्ट आता वो एक एम्प्टी सेट होता। अब ये देखें स्टूडेंट इसको इन दोनों का इंटरसेक्शन ले ले, ए ई आई ओ यू इंटरसेक्शन स्टूडेंट सी डी ई एफ। इसमें ई एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है जो दोनों में क्या है कॉमन है। इंटरसेक्शन डिसजॉइंट सेट को डिसजॉइंट देखते वक्त सेट के पेयर्स डिसजॉइंट हैं या नहीं, कोई उनमें कोई सेट क्या है कॉमन ना हो। अब इसमें देखें इसमें ई जो है ना कॉमन है, ई के अलावा कोई भी और एलिमेंट भी है जो इसमें कॉमन हो, सी डी ई एफ, ए भी नहीं है, आई भी नहीं है, ओ यू नहीं है, सिर्फ ई एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेट में कॉमन है। हम डिसजॉइंट उसको कहते हैं जिसमें कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, तो ये क्या होगा आर डिस आर नॉट डिसजॉइंट। अब हमारे पास है सेट है एक एक्स सच दैट एक्स जो है देन इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर कौन से 2, 4, 6 इंटरसेक्शन ऑड इंटीजर्स कौन है इस सेट में, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स वो होंगे हमारे पास। एक और बात यहाँ पे प्लस माइनस भी आएगा क्योंकि इसमें सिर्फ वो इवन इंटीजर्स की बात कर रहा है, इंटीजर्स में प्लस का भी होता है और माइनस का भी होता है, तो ये प्लस माइनस भी इसमें क्या होगा शामिल होगा। यहाँ पे ऑड इंटीजर्स प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5। अब देखिए इसमें कोई कॉमन एलिमेंट है, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। अब इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या आएगा स्टूडेंट, नल सेट, जिसे हम एक इस तरह नोटेशन फाइव से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब ऐसे दो सेट जिनका हम इंटरसेक्शन लें, एक एम्प्टी सेट हासिल हो एक खाली सेट हासिल हो, तो वो सेट क्या कहलाता है डिसजॉइंट सेट। अब ये वाला जो सेट है ना डिसजॉइंट है और डिसजॉइंट। अब ये वाले जो पेयर है सेट हैं हमारे पास ये क्या है डिसजॉइंट सेट है। हमें कैसे पता चला ये सेट डिसजॉइंट है, हम इन दोनों हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया, इंटरसेक्शन लेना हमें आता है हम सीख चुके हैं। अगर इसमें हमारे पास अगर इनका इंटरसेक्शन हमारे पास हमने देखा वो क्या आया एम्प्टी सेट, और अगर दो सेट का इंटरसेक्शन ले और इसका रिजल्ट एम्प्टी सेट है वो सेट क्या होते हैं आपस में
वो सेट का पेयर्स क्या होता है? डिसजॉइंट। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। हमें कुछ सेट दिए गए हैं, हमने डिफरेंस फाइंड करना है, दो सेट का डिफरेंस फाइंड करना है हमें। इफ एक हमें ए सेट दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है और डी, फाइंड दिस ए डिफरेंस बी। ए डिफरेंस बी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। हम डिफरेंस किस तरह फाइंड करते हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ पे इसकी कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। हमारे पास दो सेट हैं, एक ए सेट है एंड दूसरा जो है ना बी सेट है। अब हमने ए डिफरेंस बी फाइंड करना है। अब इस ए डिफरेंस बी, अब ए डिफरेंस बी में वो वाले एलिमेंट आएंगे जो ए में मौजूद हों और बी में ना हों। अगर हम बी डिफरेंस ए लेंगे तो वो अब इसमें वो वाले एलिमेंट होंगे इसके डिफरेंस में जो बी में तो हूं लेकिन ए में ना हूं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें मजीद इसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। अब यहां पे देखें, ए डिफरेंस बी हमने फाइंड करना है, ए में से बी को नफी करना है, माइनस करना है। अब ए सेट हमारे पास गिवन है, क्या स्टूडेंट, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस बी क्या हमारे पास स्टूडेंट, 4, 8, 12, 16, 20। अब स्टूडेंट के डिफरेंस में हमने क्या कहा है, ए नफी बी। अब वो वाले एलिमेंट इसके डिफरेंस में आएंगे जो ए में मौजूद हों और बी में ना हों। अब देखें 3 को देखें, 3 बी में मौजूद नहीं है, 3 आएगा। 6 भी बी में मौजूद नहीं है, इसके डिफरेंस में शामिल होगा ये। 9 भी बी सेट में मौजूद नहीं है। अब 12 देखें, 12 इस डिफरेंस में नहीं आएगा क्योंकि 12 जो है वो बी में भी मौजूद है, इधर देखें बी में भी मौजूद है वो। तो हमने कहा है वो वाले एलिमेंट डिफरेंस में होंगे जो ए में तो हूं लेकिन बी में ना हो। 12 इसमें शामिल नहीं होगा। 15 बी में नहीं है, वो भी शामिल होगा। 18, 21। ये था स्टूडेंट हमारे पास दो सेट का डिफरेंस लेने का एक मेथड, कि हम वो वाले एलिमेंट लिखते हैं जो जिस सेट से हम सेट को निकाल रहे होते हैं उस सेट के एलिमेंट लिखते हैं, जिससे हम सेट को नफी करते हैं उसके एलिमेंट लिखते हैं, जो वो वाले एलिमेंट लिखते हैं जो बी में ना हो। अब हमारे पास है स्टूडेंट ए माइनस सी, ए हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस सी क्या हमारे पास स्टूडेंट, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। अब आप हेल्प करें मेरी, डिफरेंस राइट करना है हमें दो सेट का, एक ए में से सी को जो है नफी करना है। हमने कहा स्टूडेंट वो वाले एलिमेंट होंगे जो ए में हो और सी में मौजूद ना हो। 3 सेट सी में मौजूद है, कहीं नजर आ रहा है आपको, नहीं, 3 जो है सी सेट में मौजूद नहीं है, तो ये डिफरेंस में क्या होगा, शामिल होगा। 6, अब 6 देखें, 6 जो है ना ये देखें यहाँ पे बी में मौजूद है, ये वाला एलिमेंट इसमें नहीं आएगा। 9 जो है इस सेट में नजर आ रहा है कहीं, बी सी सेट में नहीं है, 9 बी डिफरेंस में आएगा। 12 इस सेट में मौजूद है, 12 नहीं आएगा। 15 इस सेट में मौजूद नहीं है। 18 भी सी सेट में मौजूद नहीं है। 21 भी इस सेट में मौजूद नहीं है। अब ऐसे एलिमेंट जो ए में तो हूं लेकिन सी में मौजूद ना हो तो डिफरेंस में आएंगे, इसका रिजल्ट ये। आगे स्टूडेंट हमारे पास ए
डिफरेंस डी। अब हमने ए में से डी को निकालना है, डी सेट को, सेट हमारे पास गिवन है, ए क्या हमारे पास स्टूडेंट 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। अब डी क्या हमारे पास स्टूडेंट 5, 10, 15, 21। अब देखें स्टूडेंट 3 डी में है, नहीं इस सेट का हिस्सा होगा, 6 भी डी में मौजूद नहीं है, 9 भी डी में मौजूद नहीं है, 12 भी डी में मौजूद नहीं है, इस डिफरेंस में होगा। हमने वो वाले एलिमेंट राइट करने हैं डिफरेंस में जो ए सेट में तो हों लेकिन डी में ना हो। 15 होगा इस सेट का हिस्सा, नहीं होगा क्योंकि 15 जो है ना डी में मौजूद है, इसलिए हम इसको इस सेट का हिस्सा नहीं बनाएंगे। इस सेट में नहीं आएगा। 18, 21, ये हमारे पास था डिफरेंस ए डिफरेंस डी, ए में से हमने डी को क्या किया, नफी किया। अब एक बात सुनने, अब एक बात और है स्टूडेंट, सेट में से ही सेट नफी होगा, सेट में से आप कोई नंबर या एलिमेंट नफी नहीं कर सकते, माइनस नहीं कर सकते, सेट में से सेट ही नफी होगा। अब हमारे पास स्टूडेंट बी माइनस ए, अब हमने बी में से ए को निकालना है, बी में से ए को निकालना है, नफी करना है, तो बी सेट कौन था 4, 8, 12, 16, 20 माइनस ए क्या हमारे पास 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16। अब वो वाले एलिमेंट जब हम ए माइनस बी कर रहे थे तो हमने वो वाले एलिमेंट डिफरेंस में राइट किए जो ए में तो मौजूद थे बी में नहीं थे। अब हम कर रहे हैं बी डिफरेंस ए, बी में से ए को निकाल रहे हैं। अब वो वाले एलिमेंट होंगे जो बी में तो मौजूद हूं लेकिन ए में ना हो, 4 इस सेट में कहीं में भी है, ये भी है इसमें, 8 इस सेट में मौजूद है ए सेट में तो ये इसका हिस्सा नहीं बनेगा, 12 भी इसमें मौजूद है, 16 भी इसमें मौजूद है, 20 इसमें मौजूद नहीं है। हमारे पास बी में से हमने ए को नफी किया तो हमारे पास ये रिजल्ट है। अब थोड़ा गौर करें स्टूडेंट, हमने यहां से एक नतीजा निकालेंगे, जब हमने ए नफी बी किया तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट आया 3, 6, 9, 15, 18, 21। जब हमने बी में से ए को निकाला तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट है 4, 21। अब इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट देखें यहां पे ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए का रिजल्ट सेम है, हमारे पास दोनों का रिजल्ट इक्वल है। इसको देखें हमने अभी फाइंड किया ए डिफरेंस बी 3, 6, 9, 15, 18, 21 और बी डिफरेंस ए क्या हमारे पास 4, 20। तो हमारे पास ये दोनों का रिजल्ट जो है ना इक्वल नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करेगी, ए डिफरेंस बी डज नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए। जब हम दो सेट का डिफरेंस लेते हैं तो वो एक अगर ए में से बी को निकालें या फिर बी में से ए को निकालें तो दोनों का रिजल्ट इक्वल नहीं होता, ये एक दूसरे के इनका रिजल्ट जो होगा वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा, ये बात स्टूडेंट माइंड में रखिएगा। अब स्टूडेंट इसका 5 पार्ट, सी में से ए को निकालना है हमें, सी में से ए को, सी क्या है हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ए क्या हमारे पास 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। अब कौन से एलिमेंट इसके डिफरेंस, सी में से जब हम ए को निकालेंगे तो कौन सा इसके डिफरेंस में से कौन से एलिमेंट आएंगे, सी में जो हूं और ए में ना हूं, तो आप थोड़ा सा देखें यहां पे कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो सी में तो हैं लेकिन ए में मौजूद नहीं है, तो 2 देखें,
टू कहीं भी आपको सी में नजर नहीं आ रहा, टू भी इसमें होगा, फोर फोर भी होगा इसमें, फोर भी सी में नहीं है, सिक्स, हाँ सिक्स, क्या स्टूडेंट सिक्स इस सेट का हिस्सा बनेगा डिफरेंस में, सी नहीं, वाई, क्योंकि सिक्स जो है ना वो सी सी में भी है और ए में भी मौजूद है, ये देखें यहाँ पे ए भी ए में मौजूद है, तो इसलिए ये डिफरेंस का में डिफरेंस का हिस्सा नहीं बनेगा, तो सी हम नहीं राइट करेंगे इसमें, राइट डाउन नहीं करेंगे, एट एट इसमें नहीं है, होगा टेन, टेन भी इसमें शामिल होगा, ट्वेल्व ट्वेल्व नहीं होगा क्योंकि ट्वेल्व यहाँ पे मौजूद है, फोर्टीन होगा, सिक्सटीन भी होगा। अब हम स्टूडेंट करेंगे डी में से ए को निकालेंगे, डी डिफरेंस ए, डी क्या है हमारे पास स्टूडेंट, डी है हमारे पास स्टूडेंट फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी, ए हमारे पास क्या स्टूडेंट थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन एटीन ट्वेंटी वन। अब कौन सा एलिमेंट इसमें होगा स्टूडेंट, फाइव टेन फिफ्टीन नहीं होगा क्योंकि फिफ्टी जो है ना फिफ्टीन जो है वो ए में मौजूद है, ट्वेंटी भी इसका हिस्सा होगा, इस सेट में राइट डाउन किया जाएगा क्योंकि ट्वेंटी भी डी में तो है लेकिन ए में नहीं है। अब आप स्टूडेंट फाइंड करेंगे बी डिफरेंस सी, बी में से सी को निकालेंगे, बी भी एक सेट है हमारे पास, सी भी एक सेट है, सेट में से ही सेट को हम क्या करते हैं नफी करते हैं। अब बी हमारे पास है स्टूडेंट फोर एट ट्वेल्व सिक्सटीन ट्वेंटी, सी हमारे पास क्या स्टूडेंट टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन। अब फोर इसमें नहीं होगा क्योंकि फोर इसमें हो है, फोर से फोर क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा, एट एट भी इसमें है, ट्वेल्व ट्वेल्व भी इसमें मौजूद है, सिक्सटीन भी इसमें क्या स्टूडेंट मौजूद है, एक ट्वेंटी एक ऐसा एलिमेंट है जो इसके डिफरेंस में होगा बी डिफरेंस सी में। अब हम फाइंड करना स्टूडेंट बी डिफरेंस डी, बी क्या हमारे पास फोर एट ट्वेल्व सिक्सटीन ट्वेंटी, डी क्या हमारे पास स्टूडेंट फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी, कौन से एलिमेंट इस सेट का हिस्सा बनेंगे, इस सेट में आएंगे फोर, फोर के बाद एट, एट भी होगा ट्वेल्व भी होगा, सिक्सटीन है इसमें नहीं है, सिक्सटीन भी होगा, ट्वेंटी नहीं इसमें शामिल होगा क्योंकि ट्वेंटी जो है ना वो डी में मौजूद है। अब इसका अब हमने फाइंड करना स्टूडेंट सी, सी डिफरेंस बी, सी हमारे पास है टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन। अब हमारे पास बी, बी कौन सा सेट है हमारे पास, ये वाला बी जो है हमारे पास फोर एट ट्वेल्व सिक्सटीन ट्वेंटी। अब इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे स्टूडेंट, अगर आपको ऐसा क्यों करते हैं हम जो सी में हो और बी में ना हो, अब जो इसमें होंगे वो इसमें टू नहीं है, या फिर आप इस तरह कर लें जो इसमें सेट में एलिमेंट है जो इसमें है उसको आपस में कैंसिल कर दें, नफी करना है हमने, फोर फोर से हो जाएगा, सिक्स इसमें नहीं है, एट एट से होगा, टेन टेन इसमें नहीं है, ट्वेल्व भी इसमें है, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, फोर्टीन और सिक्सटीन जो है वो भी आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो। अब हमने वो वाले एलिमेंट राइट करने जो रिमेनिंग बचे हैं सी में, अब हमने बी की तरफ नहीं जाना, हमने कैंसिल कर लिए जो एक जैसे थे उनको आपस में नफी कर दिया, कैंसिल आउट खत्म हो गए जिस तरह। अब हमने वो वाले एलिमेंट इसके डिफरेंस में राइट करने हैं जो यहां पे सी में रिमेनिंग एलिमेंट बचे हुए हैं, अब टू होगा इसमें
टू के बाद क्या होगा सिक्स, सिक्स के बाद क्या होगा टेन, टेन के बाद क्या होगा फोर्टीन। ये इसका डिफरेंस दूसरा मेथड इसका, इस तरह भी इसको आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास है डी माइनस डी डिफरेंस बी, डी हमारे पास क्या स्टूडेंट फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी, अब बी हमारे पास है फोर एट ट्वेल्व सिक्सटीन ट्वेंटी। अब इसके डिफरेंस में कौन सा एलिमेंट आएंगे आप खुद ट्राई करें स्टूडेंट, क्योंकि हमने काफ़ी क्वेश्चन इसके रिलेटेड कर लिए तो अभी तक तो आपको इस ये बात क्लियर हो चुकी होगी। अब करते हैं सी माइनस डी, सी क्या है हमारे पास स्टूडेंट टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन, डी क्या है हमारे पास स्टूडेंट फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी। अब यहां पे देखें वो वाले एलिमेंट होंगे जो सी में तो हों लेकिन डी में ना हों, टू होगा टू इसमें नहीं है, फोर फोर भी इसमें नहीं है, डी में मौजूद नहीं है, सिक्स सिक्स भी डी में मौजूद नहीं है, एट भी डी में मौजूद नहीं है, टेन डी में मौजूद है, इसमें इसका हिस्सा नहीं बनेगा डिफरेंस का क्योंकि ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसल हो जाएगा, ट्वेल्व ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन। अब डी मैंने डी डिफरेंट सी, डी में से सी को निकालना है, डी क्या है हमारे पास फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी, सी क्या है हमारे पास स्टूडेंट सी है हमारे पास टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन। अब यहाँ पर देखें कौन सा इसके डिफरेंस में कौन से एलिमेंट आएंगे जो डी में तो हों लेकिन सी में ना हो, फाइव फाइव कहीं पे भी आपको नजर नहीं आ रहा, सी में टेन टेन यहाँ पे नजर है, आपस में क्या हो जाएंगे कैंसल हो जाएंगे इसलिए उस डिफरेंस में नहीं आएंगे, फिफ्टीन फिफ्टीन यहाँ पे कहीं पे नजर आ रहा है आपको नहीं आ रहा, फिफ्टीन भी सी में नहीं मौजूद, वो भी हम राइट डाउन करेंगे यहाँ पे, एक फाइव करेंगे फिफ्टीन करेंगे ट्वेंटी को देखें, ट्वेंटी भी हमें सी में नजर नहीं आ रहा तो ट्वेंटी भी इसमें राइट डाउन करेंगे। ये हमारे पास है डिफरेंट डी डिफरेंट सी फाइव फिफ्टीन ट्वेंटी। इसके बाद है स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर टेन एक्सरसाइज 1.4 का। अब हमें इफ एक्स सेट दिया गया है एंड वाई भी हमें सेट दिया गया तो फाइंड करना है दिस दिस दिस, एक्स में से वाई को डिफरेंस लेना है निकालना है, एफ में से वाई को निकालना है, एक्स में से वाई को निकालना है, दूसरे पार्ट में वाई में से एक्स को निकालना है और तीसरे पार्ट में हमने एक्स और वाई का इंटरसेक्शन लेना है। स्टूडेंट एक्स हमारे पास क्या स्टूडेंट ए बी सी डी, y हमारे पास क्या स्टूडेंट f b d g, वो वाले एलिमेंट इस x डिफरेंस y में x नफी y में आएंगे जो x में तो हों लेकिन y में ना हों, तो a आएगा b नहीं आएगा, b इसमें भी है ये कैंसिल हो जाएगा, c c इसमें नहीं है c भी आएगा, अब d इसमें नहीं आएगा क्योंकि d यहाँ पे भी है, आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। अब देखें ये दो आपस में क्या होगा कैंसिल, अब आपने इसके डिफरेंट में कौन से एलिमेंट है जो रिमेनिंग एलिमेंट एक्स में है वो वाले आपने राइट कर देने हैं। अब हमने करना है वाई डिफरेंट एक्स, वाई में से एक्स को नफी करना है तो वाई क्या हमारे पास एफ डी डी जी, और एक्स क्या हमारे पास स्टूडेंट ए बी सी डी। अब क्या है स्टूडेंट एफ इसमें नहीं, एफ आएगा इसमें, अब बी बी इसमें भी मौजूद है, बी क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा, नहीं अगर डी डी भी इसमें मौजूद है ये भी क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा, जी इसमें नहीं है तो जी। अब यहाँ पे देखें एक्स में से जब हमने वाई को निकाला तो क्या रिजल्ट है हमारे पास ए सी, जब हमने वाई में से एक्स को निकाला तो हमारे पास क्या रिजल्ट है एफ जी, इसमें से एक और रिजल्ट भी हमने
निकाला है कि x में से y को निकालें या y में से x को निकालें, तो इनका रिजल्ट जो है आपस में इक्वल नहीं होता। अब हमने क्या लेना है स्टूडेंट, x इंटरसेक्शन y, x के एलिमेंट क्या है हमारे पास, a b c d इंटरसेक्शन y, उल्टा u जो है ना ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो u की u जैसा होता है वो किसको करता है, यूनियन को। अब y क्या है हमारे पास स्टूडेंट, f b d g, हम इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट राइट डाउन करते हैं, वो वाले एलिमेंट्स जो दोनों सेट में कॉमन हो, कॉमन मीन्स जो दोनों सेट में मौजूद हो, ए ए इसमें नहीं है, इसका इस सेट में इंटरसेक्शन में नहीं होगा। अब बी देखें इसमें भी है, इस सेट का भी हिस्सा है, बी सी सी नहीं होगा, डी 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 और डी ऐसे एलिमेंट हैं, दो बी और डी दो ऐसे एलिमेंट हैं जो दोनों सेट में मौजूद है, एक्स में भी और वाई में भी, और यही कॉमन एलिमेंट है, और इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट को राइट करते हैं। ये हमारे पास एक्स इंटरसेक्शन वाई। क्वेश्चन नंबर 11 एक्स 1.4 का स्टूडेंट हमारे पास, उसने कहा है कि इफ आर जो है इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड क्यू जो है इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, देन व्हाट इज आर, में से आपने क्यू को क्या करना है, नफी करना है। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर जो है ना स्टूडेंट आर जो है वो इक्वल होता है रैशनल और इरेशनल का यूनियन, इरेशनल को हम क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और रैशनल को क्यू से करते हैं। अब हमने क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, आर में से क्यू को निकालना है। अब क्यू क्या है हमारे पास, रैशनल, और आर क्या है हमारे पास, कंबिनेशन है, यूनियन है रैशनल और इरेशनल का, मीन्स के आर में क्यू भी मौजूद है और क्यू डैश भी मौजूद है, और ये कौन सा सेट है, क्यू, क्यू में कौन, क्यू जो है ना एक रैशनल नंबर का सेट है। अब देखें स्टूडेंट आर में कौन से हैं, क्यू रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर, और रियल नंबर्स जो होता है ना वो यूनियन है रैशनल और इरेशनल नंबर्स का। रियल नंबर में रैशनल नंबर भी है और इरेशनल नंबर भी है, हमने रियल में से किसको नफी करना है, क्यू को। अब देखें अब इसमें रैशनल भी है, रैशनल नंबर्स भी हैं और प्लस इरेशनल नंबर भी हैं आर में, और ये हमारे पास कौन सा सेट है, रैशनल नंबर का, रैशनल नंबर्स क्यू जो है ना रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्वेश्चन में भी उसने बताया हुआ है आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब देखिए हमने इनका डिफरेंस लेना है, अब रैशनल नंबर तो इसमें मौजूद है, इरेशनल नंबर इस सेट में मौजूद नहीं है, तो आर डिफरेंस क्यू जो है हमारे पास रियल नंबर में से जब हम रैशनल नंबर निकालेंगे, हमने क्या कहा वो वाले इस डिफरेंस में वो वाले एलिमेंट होते हैं, वो वाले नंबर आएंगे जो आर में तो हूं लेकिन क्यू में ना हो। अब रैशनल नंबर इसमें है, रैशनल एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसर हो जाएंगे, क्या बच जाएगा बाकी सेट में, आर में कौन से एलिमेंट बच जाएंगे, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, यानी कि आर में से जब हम क्यू को नफी करेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे, तो हमारे पास जो बचेगा वो होगा इरेशनल नंबर का सेट। आर जो है ना वो सेट है रियल नंबर्स का और क्यू जो है सेट ऑफ रैशनल नंबर है, जब हम इनका डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास इरेशनल नंबर का सेट बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर
आंसर। अब हमने हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं और हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। अब देखिए वो कहता है एक सेट ये है हमारे पास 2, 3, 4, 5 एंड एक सेट दूसरा ये है हमारे पास, एक सेट हमारे पास ये है और दूसरा 3, 6 है। वो कहता है आर डिसजॉइंट सेट, कहते ये वाला तो जो सेट का पेयर दिया गया है ये डिसजॉइंट सेट है। और हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं। डिसजॉइंट सेट जो होते हैं हमारे पास, अगर हम दो सेट है हमारे पास तो उनका हम इंटरसेक्शन लें, अगर वो एम्प्टी आता है, उनका इंटरसेक्शन नल सेट के इक्वल आता है, एम्प्टी सेट के इक्वल आता है, तो वो वाले सेट क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। अब यहां पे देखें, आप देखें इसको, आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करके देखें क्या इनमें, अब वो जो कह रहा है हमें, वो कह रहा है हमें कि ये दो सेट क्या है, डिसजॉइंट सेट है, और हमने ये बताना है कि क्या ये वाली स्टेटमेंट ठीक है या गलत, ट्रू है या फॉल्स। अब देखें इनका इंटरसेक्शन है, अब थ्री एक ऐसा एलिमेंट है, थ्री एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेट में कॉमन है। अब जब मैं इनका इंटरसेक्शन लूंगा 2, 3, 4, 5 इंटरसेक्शन 3, 6 तो इसके रिजल्ट में कौन सा 3 आएगा। हमने क्या कहा था डिसजॉइंट वो होंगे जिनका हम इंटरसेक्शन लें और रिजल्ट में उनका इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए हमारे पास, एम्प्टी सेट नल सेट। अब यहां पे तो 3 आ गया जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट है, तो क्या ये बात ट्रू होगी या फॉल्स। अब वो कहता है डिसजॉइंट है तो ये उसकी बात फॉल्स है। ओके अभी हमने इसको हमने कहा ये डिसजॉइंट नहीं है, वो कहता है डिसजॉइंट है, हमने तो प्रूव किया है कि इसमें तो एक ऐसा एलिमेंट हमें मिल गया 3 जो दोनों एलिमेंट में, दोनों सेट हमें कैसा एलिमेंट मिल गया 3 जो दोनों सेट में क्या है कॉमन है, तो ये इस वाली स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। अब एक सेट हमारे पास ए ई आई ओ यू है एंड दूसरा कौन सा है ए बी सी डी आर डिसजॉइंट सेट, अब इसका इंटरसेक्शन ले ले, सिंपल सी बात, अगर आ गया इसका इंटरसेक्शन हमारे पास एम्प्टी सेट तो डिसजॉइंट होगा, ना आया तो डिसजॉइंट ए बी सी डी। सिंपल सी बात है स्टूडेंट, आप इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन लें, अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी आता है तो उसकी ये बात ठीक है कि दोनों ये दो सेट जो होंगे डिसजॉइंट होंगे, अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट नहीं आता तो ये सेट डिसजॉइंट नहीं होंगे। तो अब इसमें देखें आप इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आते हैं, कॉमन एलिमेंट कोई है इसमें, हाँ एक ऐसा एलिमेंट है ए बी है, एक के बाद ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन हो ई आई ओ यू नहीं। अब हमें भी इसमें भी एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो दोनों में क्या है कॉमन, इसका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट नहीं है हमारे पास तो ये वाले सेट डिसजॉइंट नहीं है, तो इसकी ये बात भी क्या होगी फॉल्स। अब वो कहता है एक दो सेट दिए हुए हैं 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15 आर डिसजॉइंट सेट, देखते हैं इसकी इस स्टेटमेंट में किस हद तक सदाकत है। इंटरसेक्शन ले लें स्टूडेंट, क्योंकि आप जानते हैं कि डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिनका हम इंटरसेक्शन लें तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, एम्प्टी आना चाहिए। 2, 6, 10, 14 इंटरसेक्शन क्या आएगा 3, 7, 11, 15 इंटरसेक्शन क्या आएगा इसका, कोई है ऐसा एलिमेंट जो दोनों सेट में मौजूद हो जिसे जो कॉमन एलिमेंट हो, 2 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 10 भी इधर नहीं है, 14 तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा एम्प्टी। अब जिसका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ जाए तो वो कौन से क्या होते हैं डिसजॉइंट सेट होते हैं, तो ये बात इसकी जो है ना ठीक है ट्रू है। अब स्टूडेंट हमारे पास 2, 6, 10 इंटरसेक्शन लें 3, 7, 11 कोई है स्टूडेंट इसमें कॉमन एलिमेंट, नहीं है, 2, 6 एम्प्टी सेट आ गया इंटरसेक्शन, तो ये वाले दो सेट जो पेयर्स है हमारे पास ये डिसजॉइंट सेट्स होगा, तो ये बात उसकी क्या हुई ट्रू। इसके साथ स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 एनसीईआरटी बैच सॉल्यूशन कंप्लीट हुई। अगर आपको इस एक्सरसाइज के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिएगा, मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ 1.5।